मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्ट पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा की अद्भुत कथाएं। आपको मैंने कई आईएएस, पीसीएस, मंत्री, प्रधानमंत्री, इनकी कहानियां सुनाई हैं। मैं आपको साधारण आम व्यक्तियों के बारे में भी जोड़ना चाहता हूं। राम शरण हल्द्वानी के रहने वाले थे। हल्द्वानी में वो अपने भाई की मिठाई की दुकान पर बतौर कर्मचारी काम करते थे। उनके भाई जो मालिक हुआ करते थे वो बाबा के दर्शन करने आया करते थे। बाबा ने एक दिन कहा कि भाई तुम अपने छोटे भाई को कभी नहीं लाते हो। उन्होंने बताया कि बाबा जी वो बहुत बोलता है और मोटी बुद्धि का है, इसलिए नहीं लाया। बोले बाबा ने कहा नहीं नहीं उसे लाओ भाई यहाँ पर। एक हफ्ते बाद वो पुनः जब दर्शन के लिए गए तो भैया को साथ लेके गए। लेकिन एक मालिक बतौर भाई हो और एक कर्मचारी हो तो अंतर तो होता ही है। बाबा को उसने प्रणाम किया। बाबा ने उससे पूछा कि क्यों भाई, अगर हम तुमसे कुछ मांगे तो दोगे? चक्कर में पड़ गया कि बाबा क्या कह रहे हैं, यहां तो लोग मांगने आते हैं, बाबा हमसे कह रहे हैं। बताओ साहब हमारी हमारी क्षमता में होगा तो साहब हम देंगे। बोले सवा मन देसी घी के लड्डू चाहिए, चढ़ावा हनुमान बाबा पर, दे पाएगा? एकदम चक्कर में आ गया कि मेरे पास तो सवा किलो आटा तक नहीं है, सवा किलो बेसन नहीं है, घी नहीं है, अब हम सवा मन कहाँ से करेंगे। लेकिन एकदम निकल पड़ा, हाँ बाबा जी मैं चढ़ाऊंगा, सवा मन देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा। ठीक है, चले आए रामचरण जी। जब आ गए तो सोचा क्या करें, लेकिन कैसे भी जैसे भी उन्होंने इंतजाम किया, दो तीन हफ्ते में इंतजाम करके सवा मन लड्डू बनाए और बाबा के दरबार में पहुंच गए। लड्डू समर्पित किए। लड्डू समर्पित करने के बाद बाबा ने कहा कि भाई ये बताइए कि तू अपनी दुकान कब खोल रहा है? रामचरण बोले कि भाई बाबा जी हम तो पागल हैं, हम कैसे चला लेंगे अपनी दुकान। बाबा बोले कि एक तू पागल है, एक मैं पागल हूं, जा अपनी दुकान देख जाके और वहां पर दुकान चालू कर अपनी। वो बंदा आशीर्वाद लेकर हल्द्वानी लौट आया और उसने अपनी दुकान शुरू कर दी। आज हल्द्वानी की प्रतिष्ठित दुकानों में स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के नाम से एक बड़ी दुकान है जिसमें कई कर्मचारी काम करते हैं। तो बाबा खास और आम में कोई अंतर नहीं रखते थे। आम जनों पर भी जब वो मेहरबान होते थे, आम जनों पर भी कृपा करते हैं। आप जब दिल से जब संपर्क होता है तो निश्चित रूप से बाबा का आशीर्वाद लोगों को मिलता है। ये कथा कैसी लगी आपको? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।